हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वाले एसएससी। आज देखेंगे 13 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चोला आर्किटेक्चर के बारे में रिलेटेड था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मालूम चल सका है। अगर आपने आज का एग्ज़ाम दिया है तो जाके कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। तो इसका मेन फीचर देख लेते हैं चोला आर्किटेक्चर का। द शिवा टेम्पल ऑफ थंजौर, द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑफ द इंडियन टेम्पल वाज बिल्ड ड्यूरिंग चोला पीरियड। जो शिवा टेम्पल है थंजौर का, वो लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट है चोला पीरियड के समय जो बनाया गया था उसमें से। चोला टेम्पल सेट द द्वारपाल और गार्जियन फिगर एट द एंट्रेंस ऑफ द मंडापा। मंडापा मतलब हॉल। और द टेम्पल्स हैड फुली डेवलप्ड द्रविड़ियन स्टाइल। टेम्पल्स बनाए जाते थे चोला पीरियड में, वो द्रविड़ियन स्टाइल में बनाए जाते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी जीएल में, कौन स्टाइल में बनाया जाता था चोला पीरियड के समय। तो इसका आंसर हुआ द्रविड़ियन स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फर्स्ट स्टार्टेड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इट वॉज लॉन्च बाई पीएम नरेंद्र मोदी ऑन 1 मई 2016 एट बलिया, उत्तर प्रदेश। जो बलिया डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। द स्कीम वॉज लॉन्च विथ अ टारगेट ऑफ प्रोवाइडिंग LPG कनेक्शन टू 50 मिलियन बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज इन 3 ईयर्स। तो ये इसका टारगेट क्या था, तो इसको प्रोवाइड कराना LPG कनेक्शन टू 50 मिलियन बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज इन 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज इन सोनार टेक्निक। इसका आंसर होगा इको प्रिंसिपल। जो सोनार में कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है, तो इको प्रिंसिपल। सोनार का फुल फॉर्म भी आता है, तो इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और सोनार इज अ टेक्निक दैट यूजेस साउंड प्रोपेगेशन टू नेविगेट कम्युनिकेट और डिटेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन और अंडर द सरफेस ऑफ वाटर सच अदर वेसल्स। मतलब इसको सोनार को नेविगेट कम्युनिकेट और डिटेक्ट करने में, जो पानी के अंदर या पानी के अंदर है उसको डिटेक्ट करने में ऑब्जेक्ट को काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाइंडिंग एंड क्लियरिंग एरर्स इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा डिबगिंग। कंप्यूटर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट 2016 मदर टेरेसा अवार्ड। इसका आंसर होगा फराज आज हुसैन। तो ये मदर टेरेसा अवार्ड क्या है, तो मदर टेरेसा अवार्ड्स आर अवार्ड्स टू ऑनर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट पीस इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस एंड एम टू इनकरेज द काउज ऑफ जस्टिस एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो ये जो अवार्ड है जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है जो प्रमोट करते हैं पीस इक्वालिटी और सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा यूज टू टीच इन विच लैंग्वेज। जो गौतम बुद्ध थे वो किस भाषा में टीच करते में पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। तो इसका आंसर होगा पाली लैंग्वेज, जो पाली था। और ये भी क्वेश्चन था, बुद्धा ने सबसे पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था। इसका आंसर होगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच इज एंटी स्कर्वी विटामिन। तो एंटी स्कर्वी विटामिन मतलब किसके विटामिन, कौन से विटामिन के डिफिशियंसी से स्कर्वी जो डिजीज है वो होता है। आंसर होगा विटामिन सी, मैंने विटामिन ए बी सी डी कैल्शियम आयोडीन आयरन के जो डिफिशियंसी से जो डिजीज होते हैं उसका लिस्ट दे दिया है। विटामिन ए से होता है लॉस ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन बी से वेरी वेरी, विटामिन सी से के डिफिशियंसी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी के डिफिशियंसी से होता है रिकेट्स, कैल्शियम से बोन और टूथ देके, और आयोडीन के कमी से गोइटर और आयरन के कमी से एनीमिया। ये भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल राइट टू यूज द यूज ऑफ वाटर बाय ऑल इज इन विच आर्टिकल। जो इक्वल राइट टू यूज द वाटर बाय ऑल इज इन विच किस आर्टिकल में डिस्क्राइब गया है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 21। और पूछा जाता है कितना आर्टिकल 21 क्या है, तो ये है राइट टू लाइफ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी। और टोटल कितने मतलब फंडामेंटल हैं, किस आर्टिकल में आते हैं फंडामेंटल राइट है, किस किस आर्टिकल से आते हैं, तो 12 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और पार्ट 3 में आते हैं। ये भी पूछा जा चुका है।
वेयर डिड बहादुर शाह जफर डाइड, तो इसका आंसर होगा रंगून, जो उस समय म्यांमार, इस समय म्यांमार हो गया। बहादुर शाह जो जफर जो लास्ट मुगल एम्पायर थे, अंग्रेज़ों द्वारा भेज दिए गए थे रंगून में, वहीं पे उनका मौत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज यूनिडायरेक्शनल, इसका आंसर होगा एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेघदूत, इसका आंसर होगा कालिदास। मेघदूत के ऑथर कौन है, आंसर होगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति तोमर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, इसका आंसर हो कबड्डी। जो नीति तोमर है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये कबड्डी है। जो कबड्डी देखते हो आसानी से जवाब दे दिए होंगे, अभी भी चल रहा है प्रो कबड्डी, उसके नितिन तोमर यूपी योद्धा के कैप्टन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, तो वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन H2, प्रोड्यूस बाई पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कॉक यूजिंग द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये भी रिएक्शन दे दिए हैं, CO और H2O कहते हैं वाटर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, और सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा, ये भी पूछा जा सकता है। इंग्लिश सेक्शन से देख लेते हैं, साइनो आया था, लॉन्गवेटी का मतलब दीर्घायु, लंबी उम्र, यर्न मतलब इच्छा करने, उत्सुक होना, एग्रीवेट मतलब गार्ड ने क्रोधित करना, एंटू आया था डुप्लीकेट, मतलब उसका हो जाएगा ओरिजिनल एंसर। एडम्स फ्रेज था, डोंट पुल ऑल लेग इन वन बास्केट, इसका मतलब डोंट मेक एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन वन थिंग। क्लोजेस्ट राइट है इन्वायरमेंट पे, टॉपिक इन्वायरमेंट टॉपिक पे। करेक्ट स्पेलिंग आया था ग्लैमर और प्रेशर का। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम कमेंट करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।